भारत और इंग्लैंड के बीच 2 फरवरी से विशाखापट्टनम में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। पहला टेस्ट मैच भारत हार चुका है। हैदराबाद में मैच खेला गया था, उस मैच में इंग्लैंड को जीत मिली थी। 5 मैचों की सीरीज है, दूसरा मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरीके से हमने देखा कि पहले मैच में पूरी तरीके से स्पिनर्स का दबदबा रहा, दूसरे मैच में भी कुछ वैसी ही उम्मीद है। इंग्लैंड के स्पिनर हार्टली ने 7 विकेट लेकर भारत को दूसरी पारी में 231 रन नहीं बनाने दिए थे। अब दूसरे टेस्ट से पहले भारत के पास समस्याएं कई सारी हैं। केएल राहुल बाहर हो चुके हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है रविंद्र जडेजा बाहर हो चुके हैं। भारत में जो अश्विन और जडेजा की जोड़ी का कमाल कहा जाता है, उसमें से अब रविंद्र जडेजा एनसीए में जाकर अपनी फिटनेस हासिल करेंगे। अब बचे रविचंद्रन अश्विन। लेकिन जो बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि भारत हो सकता है इस मुकाबले में 4 स्पिनर खिलाए और एक ऐसे खिलाड़ी की वापसी इस मुकाबले से हो जिसने 14 महीने से टेस्ट मैच नहीं खेला है। आखिरी बार दिसंबर 2022 में वो खिलाड़ी खेलते हुए नजर आया था। उनका नाम और कोई नहीं है, उनका नाम है कुलदीप यादव। 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ दिसंबर में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था, उस मैच के हीरो भी रहे थे। लेकिन कुलदीप यादव उसके बाद से लगातार टीम इंडिया से टेस्ट मैचों से बाहर है, क्योंकि अश्विन जडेजा भारत में खेलते हैं और विदेश में तो सिर्फ एक स्पिनर को ही मौका मिलता है। अब जब इस टेस्ट मैच की बात है, दूसरे टेस्ट मैच की, वहां उम्मीद की जा रही है कि भारत हो सकता है 4 स्पिनर्स उतारे। जडेजा बाहर हैं तो उनकी जगह हो सकता है कुलदीप यादव को मौका दिया जाए। वहीं इनके अलावा अगर हम बात करें, वॉशिंगटन सुंदर भी भारत के पास एक विकल्प है। अक्षर पटेल ऑलरेडी पहले मैच में खेले थे, साथ ही सौरभ कुमार भी टीम इंडिया में आ चुके हैं। खबरें यही निकल कर आ रही हैं कि भारत हो सकता है 4 स्पिनर्स को खिलाए। बहुत बड़ी बात होगी यहाँ पर 4 स्पिनर्स को खिलाना। उम्मीद ये की जाएगी जिस तरीके से इंग्लैंड के स्पिनर्स ने बॉलिंग की है, भारत भी उसी तरीके से बॉलिंग करे। सेकंड इनिंग में हमने देखा जिस तरीके से ओली पोप ने बल्लेबाजी की, इंग्लैंड 400 से ऊपर बनाने में कामयाब हो गया। भारत में आकर भारत के स्पिनर्स के सामने दबाव अब भारत पर है। टीम इंडिया के जो स्पिनर्स हैं वो जानते हैं कि यहाँ पर माहौल कितना ज़्यादा गर्म है, कितना ज़्यादा माहौल तल्ख है। अगर भारत दूसरा टेस्ट मैच भी हार जाता है तो भारत के लिए स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये देखना इंपॉर्टेंट होगा, अगर 4 स्पिनर्स के साथ आप जाते हैं, क्या यहाँ पर कॉम्बिनेशन होने वाला है। कुलदीप यादव के लिए अच्छी खबर ये है कि उनको लगभग मानकर चला जा रहा है कि टीम इंडिया में मौका दिया जाएगा। आप किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहते हैं, आपका क्या मानना है, क्या भारत को 4 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए या नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं।